सोनभद्र के विडंबगंज थाना क्षेत्र के जामपानी गांव में एक आदिवासी किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना के बाद से ही आरोपी फरार है। पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। घटना के बाद पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज दिया, लेकिन पुलिस अभी तक आरोपी का पता नहीं लगा सके। विडंबगंज क्षेत्र के जामपानी गांव में एक 13 वर्षीय आदिवासी किशोरी से दुराचार का मामला सामने आया है। दुराचारी युवक शादीशुदा दो बच्चों का बाप बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376, 452, 3 व 4 पोक्सो एक्ट, 3, 5 एसएससी एक्ट, एसटी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। यही बात हुआ कि हम लोग काम करने गए और हमारे घर में सालिन रहते थे और मैं अकेले थे और इसके बाद वो गया तमीसी सर खोजने अपने हमारे चचा के घर में रत्तू की, वहाँ पे गया तो एक मोटरसाइकिल से आया प्रेम नाम के एक लड़का, उसके घर में कहा कि मामा बताइए कि बोलिए उन कहाँ गए हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं अरे वो उधर खेल रहे होंगे। तब किवाड़ी खोल के गया अंदर, कहीं ढूंढने लगा, अरे इसके पास तो गया लड़का पीछे घुस किया, घुस कर वो दरवाजा का अटका बंद कर दिया। बंद करने के बाद कुछ देर वो गार्जियन कहा कि जब वो भूखा वो तो उसका सियाना हो गया है, तब कहने लगा कि कौन हो खोलो, खोल भी नहीं किया था। फिर उसको सिकड़ी कर बंद करके इसके बाद बाहर निकला, फिर इसके बाद वो चिल्लाने लगे कि खोलो, तो जा सोचा कि नहीं हमारे लड़के उत्तर नहीं हैं, इसके बाद खोल दिया और हटका, खोलने के बाद वो निकला बाहर, मोटरसाइकिल उठाया 9:11 क्षेत्र के थाने से एक नाबालिग लड़की आदिवासी जो है उसे मध्य पुलिस द्वारा जिला अस्पताल में लाया गया है, जिसको हमने डॉक्टर होने के लिए रिकमेंड कर दिया है, उसको भी डॉक्टर होना भी हो चुका है। गरीब का मामला है, तो प्रथम जैसा केस क्या लग रहा है, जैसे कितना कॉम्प्लिकेटेड है केस? प्रथम दृष्टि में देखा लड़की किसी ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई सीरियस कंडीशन नहीं है, बचिया ये चल गया ही है, जो भी होगा वो डॉक्टर होने के लिए मिल जाता है। मुझे डॉक्टर ही बेहतर बताएंगे कि आंतरिक परीक्षण से कि क्या घटना हुई है, कैसी हुई है, क्या नहीं हुआ है, तो बेहतर भी बता सकते हैं।